सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप। आज शनिवार के सत्र सवेरा में यूपी के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैसी। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाएं। आइए अब करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। भदोही जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने ऋण वितरण का शुभारंभ किया। शुक्रवार को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण का शुभारंभ करते हुए ODOP योजना में टूल किट भी वितरण किया। SB कारपेट एक्सपोर्ट भदोही के प्रोप्राइटर अब्दुल्ला खान को 50 लाख का ऋण स्वीकृत किया। DM ने चेक देकर योजना का शुभारंभ किया। इसी तरह विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में सुरेंद्र विश्वकर्मा व दीपक विश्वकर्मा व अक्रम अली को टूल किट दिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज कोतवाली के ठीक सामने बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां गोपीगंज पुरानी बाजार निवासी मुनव्वर अली 70 वर्ष व लल्लू 60 वर्ष दोनों भाई बाइक से हड़िया अपने किसी करीबी के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे मुनव्वर अली 70 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लल्लू घायल बताए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। उधर मौत की सूचना मिलते ही परिजनों सहित मोहल्लेवासियों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी ने भदोही में अनोखा प्रदर्शन किया। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में जमा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार को साइकिल से घसीटकर अनोखे रूप से सरकार का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर आपने बढ़ाए गए डीजल व पेट्रोल मूल्यों को वापस लेने की सरकार से मांग की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतिहास में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक हुआ है। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी के खबर का धमाकेदार असर हुआ है। आपको बता दें कि भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा स्थित हॉट स्पॉट घोषित चक इनायत गली को लेकर सत्यम न्यूज वेब टीवी ने 26 जून को खबर दिखाई थी, जिसमें हॉट स्पॉट इलाके से बैरिकेटिंग पार कर लोग बेखौफ आवाजाही कर रहे थे। खबर का असर यह हुआ कि मौके पर पहुंची भदोही पुलिस ने बैरिकेटिंग को ऊंचा करते हुए आसपास के लोगों को हॉट स्पॉट इलाके के गाइडलाइन के पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ग्राम पंचायतों की सड़कों व गलियों को रोशन करने के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और ग्राम पंचायतों में सौर आधारित स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है, लेकिन यह स्ट्रीट लाइट कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर गांव में शोभा बढ़ा रही है। ऐसा ही कुछ मामला भदोही विकास खंड के ग्राम सभा मूसी लाटपुर का है, जहां गांव की सड़कें व गलियों को रोशन करने के लिए लगाई गई सोलर लाइट लगने के कुछ समय बाद ही खराब होकर पड़ी हैं और अब यह लाइट गांव की शोभा बढ़ा रही हैं। सोलर लाइट न जलने से बारिश के इस मौसम में शाम ढलते ही अंधेरे में गांव डूब जाता है। नहीं जलती, कोई जलती है 5 मिनट जलेगा, इसके बाद डूब जाएगा। ये है आज करीबन साल भर से नहीं जलती। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर भूमि विवाद सहित अलग अलग मामलों को लेकर जमकर मारपीट हुई है। अलग अलग हुए इस मारपीट में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में उपचार हेतु लाया गया। छतमी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में अकबर, अमीना, पप्पू, चांद तारा, निशा घायल हैं। इसी तरह संसारापुर में हुई मारपीट में लालती, रत्नेश, राजकुमार, सिपाही, अशोक कुमार को चोटें आई हैं। इसी तरह आम तोड़ने को लेकर
हुए विवाद में विजय व राजधर नामक व्यक्ति घायल हुए हैं। अभी पूरी तरह मानसून की बारिश भी नहीं हुई, बावजूद जलजमाव की समस्या सामने आने लगी है। भदोही नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 जलालपुर पनवरिया से भी कुछ इसी तरह की शिकायत वार्डवासी कर रहे हैं। वार्ड के मनीष कुमार का आरोप है कि मोहल्ले की समस्याओं को लेकर वह सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब भी समस्या जस की तस बनी हुई है। मोहल्ले की सड़कों पर मिट्टी लेकर दौड़ते ट्रैक्टरों की वजह से चैम्बर टूट गए हैं, नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे नाली व बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है। इस भीषण समस्या से मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान हैं। नगर पालिका का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के जल्लापुर मोहल्लेवासियों ने नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में एक पत्र सौंपते हुए मोहल्ले की इंटरलॉकिंग सड़क पर हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने की मांग की है। रविशंकर, फिरोज बेग, राजू खान, जुनेद एहसान खान, राकेश कुमार, बेचन, आफताब आलम आदि मोहल्ले वासियों ने दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि बालेश्वर व रोजन अली नामक व्यक्ति मोहल्ले की इंटरलॉकिंग सड़क पर चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। जो मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, चबूतरा बनाकर किए गए अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र छात्राओं की धड़कन बढ़ गई है। छात्र छात्राएं सफलता और असफलता मिलने के साथ कितने फीसद अंक मिलेंगे इसको लेकर चर्चाओं में मशगूल देखे जा रहे हैं। भदोही जिले में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं को मिलाकर कुल 54,455 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की परीक्षा वर्ष 2020 का परिणाम आज दोपहर 12 बजे घोषित होगा। इसको लेकर साइबर कैफे संचालकों ने भी अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस जहां लोगों की सुरक्षा के लिए सजग रहती है, वहीं पशु पंछियों के लिए भी पुलिस पहरेदार बनी हुई है। ऐसा ही कुछ मामला भदोही शहर के भरट्टा के चौराहे पर देखने को मिला, जहां भदोही से मर्याद पट्टी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार की जद में गाय आ गई। गाय कार के नीचे फंस गई। तभी वहां मौजूद धौरारा पुलिस चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों के सहयोग से कार में फंसी गाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। शुक्रवार को भदोही जिले का गोपीगंज इलाका हद से वाला रहा। लगातार सड़क हादसे होते रहे। शुक्रवार की शाम होते होते हुए सड़क हादसे में जहां बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं चार अन्य लोग घायल हो गए। कोइलरा निवासी ज्ञान प्रकाश के यहां शुक्रवार को वैवाहिक कार्यक्रम था। इसी बीच ज्ञान प्रकाश अपनी पत्नी व साली के साथ घुसियां दवा लेने गया था। लौटते समय टोल प्लाजा के समीप ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे ज्ञान प्रकाश 25 वर्ष कि जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं पत्नी व साली घायल बताई गई हैं। इसी तरह एक बाइक पर सवार होकर दो लोग वाराणसी से आ रहे थे, जहां माधोपुर के समीप सड़क हादसे के शिकार हो गए, जिसमें इस्लाम 40 वर्ष व मकसूद 42 वर्ष घायल हो गए। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस काफी संजीदा है। कावड़ रोक को लेकर सूर्यामा थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने चौथार बाजार के ग्रामीणों से मुलाकात कर अनुरोध किया है कि कावड़ यात्रा पर रोक है, ऐसे में कावड़ यात्रा न ले जाएं। साथ ही चीनी वायरस को लेकर सूर्यामा थाना अध्यक्ष ने सभी से मास्क लगाए जाने की जहां अपील की, वहीं शारीरिक दूरी के पालन करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर चौथार गाँव व बाजार सहित आस पास के ग्रामीण मौजूद रहे।
भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहा पुलिस बूथ के सामने लगे ट्रांसफार्मर से अक्सर आग का गोलाल निकलता देख आसपास के लोग सहम जाते हैं। समीप के लोगों ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर से अक्सर इस तरह के आग के गोले निकलते हैं। जमीन पर रखे इस ट्रांसफार्मर से इस तरह की बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलने से अफरा तफरी फैल जाती है। लोगों को भय है कि यह आग की लपट कहीं विकराल रूप धारण न कर ले। विद्युत विभाग भी पूरी तरह लापरवाह बना बैठा है। भदोही विकास खंड के हरियाव डगडगुआ मार्ग पर विद्युत पोल गिर जाने से जहां ग्रामीण इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है, वहीं पोल गिरने से आवागमन भी बाधित हो गया है। बता दें कि शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते मूसी लाटपुर के डगडगुआ गांव के समीप मार्ग पर यह विद्युत पोल धराशाही हो गया। इस संबंध में गांव के राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि रास्ते पर गिरे विद्युत पोल के चलते आवागमन जहां बाधित है, वहीं विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालते हुए श्रद्धांजलि दी और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गोपीगंज में कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर परवेज खान, शशांक तिवारी, संतोष सिंह बघेल, रुस्तम फारूकी, जब्बार अली, आसिक अली आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। अपना दल यस के नव नियुक्त अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। भदोही जिले के गोहिलाव विधानसभा कार्यालय पर अपना दल यस के अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद गुलाम को फूल माला पहनाकर पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जे एस बिंद व दिगंबर पटेल सहित आदि कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप भी बोलिए अपने हक के लिए, अपने गांव शहर के लिए। आप भी बनिए जनता रिपोर्टर, अपने आसपास की खबरों को हमें बताएं। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप करें, क्योंकि सत्यम न्यूज वेब टीवी दिखाएगा शहर से लेकर गांव खेत खलिहानों की खबर। इस अपील के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।